हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पर, और उससे निपटने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए या उसे बचने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पर। ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल कई बार गड़बड़ा जाता है, इसके कई कारण होते हैं। पहले उन कारणों को बात करेंगे, उसके बाद उससे बचने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट नुस्खे या टिप्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ठंड के मौसम में लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कई बार गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में आपका एक्सरसाइज कई बार बंद हो जाता है, कम हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हैं। इसके कारण ये है कि ठंड के मौसम में आप सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलते होते हैं या जिम जाते होते हैं, वो कई बार कम हो जाता है। आप बाहर जब नहीं जाते हैं तो आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल कम हो जाता है। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति दिन भर में एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज बर्न करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो भी फ़ायदा उसको एक्सरसाइज से होना था वो मिस हो जाता है। इसके अलावा कई बार ठंड के मौसम में आप खाना भी ज़्यादा खाने लगते हो, क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा स्नैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लोग स्नैक्स या समोसे, कचौरी या इस तरह की तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ड्रिंक भी ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक से रिलेटेड स्नैक्स भी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो ये सारी ही टेंडेंसीज ठंड के मौसम में आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को गड़बड़ाती हैं। इसके अलावा ठंड के मौसम में बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बॉडी को गर्म करने के लिए ये एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनते हैं। ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल को भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ठंड के मौसम में लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ता है, और यदि हम प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो इसकी वजह से ठंड के मौसम में, जैसा कि काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, कि हार्ट अटैक्स होने का, लकवे होने का या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको इन सब फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के मामले में ठंड के मौसम में आपकी मदद करेंगे। इसमें आप ठंड के मौसम में ज़्यादा साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाएं। ठंड के मौसम में कुछ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होती है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स है या हरी साग सब्जी है, रूट वाली वेजिटेबल्स है, ये ठंड के मौसम में ज़्यादा अवेलेबल रहती है, तो इनको आप ज़्यादा खाइए। इसके अलावा गर्म रखने के लिए बॉडी को आप थोड़ा सूप्स वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं। लीन प्रोटीन सोर्सेज हैं, दाल है, बीन है, ये सब ज़्यादा ले सकते हैं। सब्जियों से कोई सूप या ब्रॉथ बना सकते हैं, सब्जियों की तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बॉडी को गर्म भी करेगी। और इसमें नमक के बदले आप हर्ब्स और स्पाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। आप अगर बहुत ज़्यादा सब्जियों में बहुत ज़्यादा नमक डाल के खाते हो तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल थोड़ा गड़बड़ होगा, तो हर्ब्स और स्पाइसेस को आप यूज़ करके उसको भी थोड़ा हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा आपको ठंड के मौसम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। फैटी फिशेज आप ले सकते हो, जैसे सैल्मन, मैकरेल, टूना फिश, ये सारी फिशेज ले सकते हो, या अखरोट यानी वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स का प्रयोग कर सकते हो। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बेटर करती है और ये हेल्दी स्नैक की तरह से आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, ठंड के मौसम में हम घर में ज़्यादा रहते हो तो थोड़ा कुछ बीच बीच में खाने की इच्छा ज़्यादा होती रहती है, तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप थोड़ा इस तरह के हेल्दी स्नैक्स को ठंड के मौसम में ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल ठंड में प्रोटेक्शन भी होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि क्योंकि आप ठंड के मौसम में एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाते, तो घर पर ही थोड़ा एक्सरसाइज करिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डांसिंग है, या घर पर ही थोड़ा जिम का इक्विपमेंट वगैरह रख सकते हैं, तो उससे आप घर पर ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट रूटीन्स में जो एक्सरसाइज बाहर आप करते होते हैं उसके बदले काम करेगा और आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ने से रोकेगा। जितना कैलोरी आपको ठंड के मौसम में आप बाहर नहीं लूज़ कर पा रहे, उसके बदले आप उसको घर पर लूज़ करिए, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, वज़न नहीं बढ़ेगा तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अगर जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है वो कुछ विंटर स्पोर्ट्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। खैर, वो चीज़ें इंडिया में तो खाली पहाड़ी एरिया में ही पॉसिबल है, वहाँ इतनी ज़्यादा स्नो इंडिया में तो सब जगह या बर्फ़ नहीं पड़ती है, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ा आपको एक्सरसाइज हो सकती है। ज़्यादातर तो आप मान के चलिए कि घर पर ही एक्टिविटी करिए, और अगर पॉसिबल है तो जब धूप निकल जाए उस टाइम पे एक्सरसाइज के लिए जाइए, थोड़ा टाइमिंग को चेंज कर लीजिए। अब मान लीजिए सुबह 6 बजे ज़्यादा ठंडी है तो 8 बजे 10 बजे चले जाइए, एक्सरसाइज शेड्यूल को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, शाम के टाइम चले जाइए जब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो, तब उस समय आप एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। ठंड के मौसम में कई बार पसीना कम होने की वजह से आपको प्यास ज़्यादा नहीं लगती है,
इसकी वजह से आप पानी कम पीते हैं और डिहाइड्रेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप पानी ज़्यादा पिए तो ये आपको ब्लड को भी थोड़ा डाइल्यूट करेगा, थोड़े कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, वजन को भी कम करने में मदद करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करेगा और ओवरऑल हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, भले प्यास ना भी लगे तो भी पानी पीना चाहिए। इसके अलावा ठंड के मौसम में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इसको विंटर ब्लूज बोलते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ठंड के मौसम में होता है, यानी इसमें आपका मूड थोड़ा ऐसा डिप्रेशन जैसा या एंग्जाइटी जैसा ज़्यादा होता है। ऐसा देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि ठंड के मौसम में लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होती है, इसको विंटर ब्लूज बोलते हैं। इसको कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या इस तरह की हॉबीज़ को आप कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होगा। स्ट्रेस लेवल्स कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होगा, और स्ट्रेस की वजह से जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उससे भी आप खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कर सकते हैं, अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलर बेस पर चेक करते रहिए, क्योंकि ठंड के मौसम 3-4 महीने चलता है। इस दौरान यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहा है या शुगर लेवल्स बढ़ रहा है तो डॉक्टर से मिलकर दवाइयों के डोजेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर के पास फॉलोअप थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बार करवा सकते हैं, ताकि ब्लड का कंट्रोल आपका कोलेस्ट्रॉल का या शुगर का या बीपी का ओवरऑल कंट्रोल आपका गड़बड़ नहीं हो। डॉक्टर से मिलकर दवाओं के डोजेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठंड के मौसम में लोग कई बार पार्टी वगैरह भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि खासकर विंटर के क्लाइमेट्स में जहाँ टेम्परेट क्लाइमेट्स होती हैं, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वैसे जगहों पे लोग एक दूसरे के साथ सोशलाइज ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह भी ज़्यादा करते हैं। इसको आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से अल्कोहल ज़्यादा जाता है, उसके साथ स्नैक्स और ऑयली फूड ज़्यादा जाता है, तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गड़बड़ होते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा बचना चाहिए इस तरह की चीज़ों से। वंस इन अ वाइल करेंगे तो चलेगा, रोज़ इस तरह की चीज़ें मत करिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल अल्कोहल से भी बिगड़ेगा, स्नैक्स से भी बिगड़ेगा। इसके अलावा ठंड के मौसम में कई बार लोग चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, इसमें भी जो दूध होता है कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को बिगाड़ सकता है। रेगुलर चाय के बदले हर्बल चाय, हर्बल टी आप लेते हैं तो उससे आपका थोड़ा बेटर रहेगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल थोड़ा बिगड़ेगा नहीं, कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि बाहर खाना खाने के ऑप्शन के बदले घर पर खाना को ज़्यादा पकाएं, इस तरह से ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन या कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन बढ़ेगा और उसको ज़्यादा अच्छे वे में बनाएं, जैसे ग्रिलिंग, सॉटिंग करके या स्टीम करके चीज़ों को बनाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल थोड़ा बेटर होगा। हर चीज़ को तल के बनाने से या फ्राई करके बनाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल आपका बिगड़ सकता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में थोड़ा पोर्शन कंट्रोल भी करना चाहिए, ठंड के मौसम में लोग वैसे भी थोड़ा ओवर ईटिंग ज़्यादा करते हैं, तो आपको थोड़ा कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना ना खाया जाए, नहीं तो वज़न बढ़ेगा और वज़न बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल भी बिगड़ेगा। इसके अलावा ठंड के मौसम में कुछ सुपर फूड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ओट्स, बार्ली है, चने हैं, दाल है, ये सब ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो इनको आप ज़्यादा मात्रा में खाइए। इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। ठंड के मौसम में खुद को ठंड से बहुत ज़्यादा बचाइए, यदि ठंड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा तो बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनेंगे जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ेगा। तो अपने आप को ठंड से बचाइए, घर को भी थोड़ा गर्म रखिए और बाहर पर भी जाएँ, बहुत बार 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 बाहर नहीं जाएं, नहीं तो उससे आपका ठंड का एक्सपोजर बढ़ेगा, और जा भी रहे तो शरीर को प्रॉपरली कवर करके गर्म कपड़े वगैरह पहन के फिर जाएं। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करें, एक आध दिन आप ध्यान रखो, बाकी दिन ध्यान नहीं रखो तो वो नुकसान करेगा। रेगुलरली सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम्स कम होगी। जो भी आप खा रहे हैं उसको माइंडफुली खाइए, थोड़ा विचार करके, सोच के, धीरे धीरे करके, चबा चबा के अगर खाएंगे तो इससे आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, वो सारे चीज़ों का विशेष ध्यान लेके आपको खाना खाना है। माइंडलेसली जो लोग खाते हैं, उतना भी खा रहे हैं, बिना सोचे समझे खा रहे हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का कंट्रोल बिगड़ जाता है, वज़न उनका जल्दी बढ़ता है। ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर का भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए आप नमक के बदले स्पाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, गार्लिक है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करके अपने खाने को टेस्टी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नमक का कंजम्पशन थोड़ा कम रखें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ ठंड में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और ये सारी चीज़ें मिलकर धीरे धीरे करके हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाती हैं, तो इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि ठंड के टाइम थोड़ा नींद अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी देखिए ठंड के टाइम आदमी थोड़ा ज़्यादा सोता है, ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है, लेकिन अच्छी और कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। आज के टॉपिक में हमने बात करी ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के हिसाब से क्या इश्यूज आते हैं, क्यों आते हैं और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसके हिसाब से, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बिगड़े नहीं और ओवरऑल हेल्थ बिगड़े नहीं, हार्ट अटैक लगने का चांस थोड़ा कम रहे, कंट्रोल में रहे।
इसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।